हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मोडिफाई के बारे में बताऊंगा। मोडिफाई जो है, जिसमें कुछ टूल्स दिए गए हैं, इन टूल्स का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक का मैं एग्जांपल देकर के बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट या सर्किल। जैसे मान लो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, ये सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब जो सबसे पहला वाला कमांड है वो क्या है, देखो, मूव। मूव कमांड, मूव का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, ठीक। तो हम मूव कमांड पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, एम इंटर होती है, ठीक है। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे, फिर ये बोलेगा स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। तो जिस पॉइंट के सहारे आपको मूव करना है, इसे उठा करके यहाँ लेकर के जाना है तो यहाँ, केंद्र को उठा के ले जाना है तो केंद्र को ऐसे उठा करके यहाँ पे कहीं भी जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, ठीक है। ये लो, मैंने इसको मूव कर दिया है। तो ये सबसे पहली कमांड थी हमारी मूव। फिर क्या है, मूव कॉपी एंड रोटेट, ठीक। तो इसको मैं, चलो एक रेक्टेंगल बना करके मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मूव कॉपी और रोटेट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ड्रॉ में जाकर के मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल यहाँ से ले लेता हूँ और ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से मूव कॉपी एंड रोटेट, तो ये हम रोटेट, मूव और रोटेट कराना है कि केवल रोटेट कराना है कि रोटेट मूव कराना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, केवल इसे पहले, चलो अच्छा मूव एंड रोटेट करा देते हैं। कॉपी द ऑब्जेक्ट, यस, तो मैं ये कॉपी भी कर लूंगा। ये इस पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, चलो मैं ये बेस पॉइंट इसका ले लेता हूँ, ठीक। अब ये इसका बेस पॉइंट मैं लेकर के इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ले जा सकता हूँ मैं, और इसको रोटेट भी करा सकता हूँ। ये इस तरीके से रोटेट भी हो गया, कॉपी भी हो गया, जितनी जगह हम इसको चाहें पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि दो तीन कमांड हमारी काम कर रही है, इसको कहीं भी ले जाके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट भी करा सकते हैं, कॉपी भी है हमारा ये, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा टूल काम कर रहा है। मैं इसको कंट्रोल ए प्लस डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम बात करें दूसरा वाला हमारा, इसी तरीके से कॉपी देन रोटेट, पहले कॉपी करो फिर रोटेट करो, ठीक। तो मैंने मान लो ये कोई एक रेक्टेंगल बना लिया है, फिर हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे हम कॉपी देन रोटेट, पहले इस पे क्लिक करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम इसे स्पेसिफाई द बेस, बेस हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। अब देखो ये मेरा क्या हो रहा है, कॉपी हो चुका है, ये रोटेट मुझे कराना है, तो किस इसी एक्सिस के सापेक्ष रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ के, देखो ये कॉपी हो गया ना, एक ही जगह पे, एक स्पेस एक ही जगह पे रहेगा, वहीं से आप कहीं भी इसको रोटेट करा के कुछ भी इस तरीके का कमांड का यूज करके बना सकते हो। कोई भी डिजाइन इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी वाली कमांड का काम था, ये था हमारा कॉपी देन रोटेट। इसी तरीके से कॉपी करोगे फिर रोटेट देन मूव, कॉपी करने के बाद रोटेट देन मूव, ठीक है। अब जैसे मैं इन सबको डिलीट कर दूं, ठीक, एक और रेक्टेंगल यहाँ से ले लूं, ठीक। नेक्स्ट वाली कमांड भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्या, कॉपी रोटेट, पहले कॉपी करेगा फिर रोटेट देन मूव। ये इस पे क्लिक करो फिर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक। तो ये पहले इसे रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद अब क्या करेगा, अब इसे मूव करेगा। बताओ यहाँ मूव करा दें, है। अब इसको देखो, पहले रोटेट मैंने करा लिया, रोटेट कराने के बाद इसको मैं नीचे की तरफ मूव करा लूँ, ये देखो। तो कमांड उसी के अनुसार काम कर रही है ना। उसके बाद फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला कॉपी मूव देन रोटेट। पहले इसको कॉपी करेगा ये, ठीक है, कॉपी करेगा, मान लो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद मूव करेगा, मूव, जैसे इसे मूव कराना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मूव करा लिया, अब रोटेट करेगा, ये देखो मुझे ऐसा रोटेट कराना था इस तरीके से, ये देखो रोटेट कर दिया। तो इस तरीके से ये जो हमारा मूव एंड मूव टूल है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा रोटेट, ये केवल रोटेट कराएगा, ये मूव नहीं कराएगा। जैसे मान लो ये जो है, ये यहाँ का यहीं पे रोटेट हो जाएगा। जैसे मान लो रोटेट पे मैंने क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद इस पॉइंट के सापेक्ष अगर मुझे रोटेट कराना है, इस पॉइंट, मान लो मुझे इस पॉइंट के सापेक्ष यहाँ पे रोटेट कराना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और इसी के सापेक्ष ही रोटेट हो जाएगा,
ठीक। अब जैसे मान लो इसको फिर रोटेट कमांड लेते हैं, अब इस कॉर्नर के सापेक्ष कराना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे, फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फिर इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और फिर वापस इसे इस तरीके से रोटेट करा देंगे। यहाँ पे एंगल भी भर के रोटेट करा सकते हैं, जैसे मान लो इसको हमें 80 डिग्री पे रोटेट कराना है, तो इसमें हम 80 भर देंगे और इंटर मार देंगे। देखो ये 80 डिग्री पे रोटेट हो गया है। अब इसे हमें वापस माइनस के 80 में, देखो मैं इसे रोटेट करता हूँ, यानी कि 160 डिग्री पे यहीं से, तो ये वापस पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, है ना। 80 में किया था ना, तो अभी मैं इसको कितना में कर दूं, 0 डिग्री रोटेट कर दूं ना, नहीं 80 का मतलब है माइनस 80 करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम रोटेट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को रोटेट कमांड भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारी मिरर, ये भी मैं बताऊंगा अभी। अरे अरे थोड़ा बड़ा लेक्चर है, तो मिरर कमांड का बारे में बताऊं, ये भी एक कॉपी की तरह होती है। जैसे मिरर का मतलब होता है शीशा, शीशा दिखा के कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेना, जिस तरीके से ये इसमें देखो आधा आधा ऑब्जेक्ट बनाया गया है। अब ठीक है, तो मैं आप लोगों को मिरर से किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो बताता हूँ। इसको मैं पहले डिलीट कर ले रहा हूँ। ठीक, डिलीट करने के बाद जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ बनाया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ, है ना, यहां से। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब मुझे सेम टू सेम ऑब्जेक्ट इधर भी बनाना है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसको मिरर कर दूंगा एक लाइन के सापेक्ष। ये मेरी लाइन बना ली मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मिरर कमांड को लूंगा, ये मिरर कमांड है। मिरर कमांड को लेने के बाद इसके पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लोगे नीचे की तरफ से। सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है स्पेसिफाई द पॉइंट, तो ये यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे इसका, ये और ये, ठीक है। और इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, पुराना वाला ऑब्जेक्ट अगर आपको इरेज करना है तो यस पे क्लिक कर दो, मुझे इरेज नहीं करना है तो मैं नो पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब देखो दोनों मिरर बन गए ना, यानी कि जैसा इस तरफ था वैसा ही इस तरफ भी बन गया है। तो आप लोगों को मिरर कमांड भी समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे मान लो अगर ये हाफ ऑब्जेक्ट बनाओ, हाफ आधा, जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाऊं, ठीक है। अब मैं इसको मिरर करता हूँ, मिरर कमांड पे क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। देखो डिजाइन बन गई ना इस तरीके से। अब मुझे अगर इसका भी मिरर करना है, इसका भी मिरर करना है, तो इस पे भी क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करो और राइट क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करो। अब जैसे मुझे इस तरफ इसको मिरर करना था सीधा 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से मिरर हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं फिर इसको मिरर कमांड से फिर और बढ़ा सकता हूँ, ठीक। केवल तुम्हें कमांड का यूज करना आना चाहिए। इस पे मिरर कमांड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को इतना इतना सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और इस पॉइंट को मैंने फिर से उठा लिया। इस पॉइंट को उठाने के बाद मैंने इस तरीके से इसको, मैं मान लो इसको यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक। फिर भी मैं मिरर कमांड का यूज कर सकता हूँ, फिर इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को पकड़ के इस तरीके से, मतलब कि जिस जहाँ पे ले जाना रहेगा वहां पे आप ले जा करके बड़े आसानी से बना देंगे। तो थैंक यू इस लेक्चर के लिए। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो बची हुई कमांड है, ट्रिम, अरे, इन कमांड के बारे में बताऊंगा।